हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिशा ब्यूटी। और मैं हूँ प्रिशा ब्यूटी से प्रमिला। कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे अपने अपने घरों में। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों से थोड़ी सी बात की जाए कि आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं इस लॉकडाउन में। बस मैं भी बोर हो रही थी तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। तो जैसे कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन में ना जाने क्यों सब इतना परेशान हैं कि सब घर पे हैं, क्यों है, क्या कर रहे हैं, कैसे जो है काम अपना खत्म करें। क्या कर रहे हो उधर, करो जा करके ना, मैं यहाँ पे कुछ बात कर रही हूँ। तो लॉकडाउन है जैसा कि मैं कह रही थी, और जो घर होता है ना, घर के लिए सब इतना परेशान है कि हम घर पे हैं, लेकिन घर से ज्यादा नहीं करो, उधर करो जा करके, नहीं खेलो यहाँ पे, उधर खेलो जाके। घर है, घर से ज्यादा शांति कहीं पे भी नहीं है। आप सब जानते हैं कि घर से ज्यादा शांति कहीं नहीं है, घर बहुत अच्छी जगह है। तो आप लोग सब अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए। और घर जो है ना, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत ज्यादा सुकून मिलता है, बहुत सुख मिलता है, शांति मिलती है। तो घर पे रहिए और अच्छे से इंजॉय करिए इस लॉकडाउन के पीरियड को। तो बस यही बात करनी थी मुझे आप लोगों से कि आप लोग घर पे हैं, स्वस्थ रहिए। मुझे नहीं पता है कहाँ रखे हैं, मैं बात नहीं कर सकती हूँ थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर तो शांति रहो, रखो आप लोग, थोड़ी देर मैं बात कर लूँ कुछ। तो देखा आप लोगों ने कि घर पे रह के कितनी ज्यादा शांति है। तो देखना है बस, घरों में इसे एंजॉय करना है। और ये सब चीजें भी अच्छी हैं, कभी कभी एंजॉय करना चाहिए हम लोगों को अपनी फैमिली के साथ में। तो बस मेडिटेशन की जगह है ये, और अपने आप को जो है एकदम शांत रखिए यहाँ पे रहकर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों को लॉकडाउन के चलते में मैंने क्या क्या किया है, इस लॉकडाउन का कितना फ़ायदा उठाया है, उस बारे में बताने वाली हूँ। और लॉकडाउन में बहुत सी, मतलब लोग बोल रहे हैं कि घर में शांति नहीं है, आपस में मियाँ बीवी में झगड़े हो रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, मुझे तो बल्कि इतना सपोर्ट मिला है कि मैं क्या बताऊँ। क्योंकि लॉकडाउन के चलते मैं इतने अच्छे अच्छे वीडियो बना पा रही हूँ, यूट्यूब पर डाल पा रही हूँ वीडियोस, और बिना डिस्टरबेंस के, क्योंकि मुझे डिस्टर्ब नहीं हो रहा है आजकल, और कोई डिस्टर्ब करने वाला है भी नहीं यहाँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस का काम करते रहते हैं दिन भर घर में। और एक चार्जर नहीं मिला, चार्जर वही रखा होगा ना, मैंने ढूंढ लिया पूरा, मुझे नहीं मिला, प्लीज थोड़ा हेल्प करना। हाँ उधर होगा शायद, एक मिनट, थैंक यू। हाँ तो दोस्तों, मैं बस यही बोलना चाह रही थी कि लॉकडाउन में मैंने बहुत फायदे उठाए हैं, एकदम मेरे यहाँ शांति शांति थी। और अब कल से तो मेरे हस्बैंड के ऑफिस स्टार्ट होने वाले हैं, तो और भी अच्छे से मैं वीडियो बना पाऊंगी, तो उसी बारे में मैं, घड़ी कहाँ है यार, मैंने बोला ना एक मिनट मेरे को वीडियो बना लेने दो। तुम बना लेना ना यार, मुझे दे दो यार। तुम ऐसे क्यों करते हो, मैं वीडियो बना देता हूं, थोड़ा हेल्प कर देना यार, प्लीज यार। इस वजह से वो सारा सामान अरेंज कर रहे हैं ऑफिस जाने के लिए, तो बस उसी चक्कर में थोड़ा सा अभी आ गए थे वो सामान ढूंढने। तो बस कोई बात नहीं है, ये तो चलता रहता है। और बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला है घर में, एकदम शांति से ही मैं अपने YouTube चैनल पर काम कर पा रही हूँ। एक मिनट, खाना तो रखा है यार, वीडियो रिकॉर्ड कर लेने दो। खाना तो खा लिया यार, थोड़ी चाय वाय पिला दो, शाम हो गई है, थोड़ा हल्का फुल्का कुछ प्लीज रखा है ना। अरे यार, चाय बनाने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? फैमिली के साथ में स्पेंड करने का समय है, सो आप सबको अच्छे से, उनको भी और आपको भी अच्छे से एकदम खुशी खुशी ये टाइम एक्सपेंड करना चाहिए। सुनो, हाँ, टीवी का रिमोट कहाँ रखा है? अरे टीवी का रिमोट इधर उधर ही रखा होगा यार, देख लो ना, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, देख लो। मेरे को नहीं मिला है, इसके कारण आपको बोल रहा हूँ। तुमको तो कुछ भी नहीं मिलता, ये लो, यही तो रखा था, जाओ। हाँ तो मैं कह रही थी कि हमें अच्छे से रहना चाहिए, खुशी खुशी रहना चाहिए,
और ऐसा नहीं समझना चाहिए कि घर में सब जने हैं तो अच्छे से हाँ वो पानी पिला दो और एक गिलास। तो पानी तुम घर के भी पी सकते हो। मेरे को प्यास लग रही है कि आप ला कर दो। अरे भर के पी लो यार प्लीज। जाओ जाओ मैं अभी थोड़ा सा वीडियो का काम कर लूँ फिर आके सारा काम कर दूंगी आपका। जाओ। सो गाइज निशान कर रहे हैं। हाँ कार क्या है? कार में आप ये टॉय बॉक्स में रखी होगी अरमाली में रखी होगी जाके देख लो। तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता टाइम पे। और हमें ये क्या है? बोले रुक जाओ सब लोग रुक जाओ अभी। अरे रुक जाओ यार। और अच्छे से अरे क्या गिरा? कुछ नहीं गिरा अरे भैया तुम अभी थोड़ी देर से खेल लेना। तुम्हारे को पानी अभी पीना है क्या? तुम्हारा पानी नहीं पी सकते थोड़ी देर बाद में? तुमसे कुछ भी नहीं होता। तुमको अभी पानी ग्लास दे के बताती हूँ। से खुशी खुशी टाइम एक्सपेंड करना चाहिए और बोर। हाँ हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। फ्रेंड कैसे हैं आप सब? ये इस टाइम पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है क्या बताऊँ। सब घर पे हैं बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं बट मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ फ्रेंड क्योंकि मेरे घर में इतनी ज्यादा शांति और सुकून है और यहाँ गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही है थोड़ी बहुत है। और मैं तो बिल्कुल परेशान नहीं हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा घर पे रह के क्योंकि बाहर जाओ जॉब करो इतनी गर्मी इतनी ज़्यादा आसान थी। ओह माय गॉड मेरा तो सर दुखने लगता है। बट अब रह के घर में रहिए जैसे मेरे यहाँ बिल्कुल शांत शांत माहौल रहता है। हेलो हाँ तो फ्रेंड मैं ये बात कर रही थी कि बहुत ज़्यादा शांति आपके माइंड से रहती है और वो अगर आपके घर में शांति है तो बहुत अच्छा लगता है जैसे मेरे घर पे है। तो फ्रेंड कैसे हैं आप सब? आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में और आपके घर में बताइएगा कि क्या मेरे यहाँ ही जैसे आपके यहाँ भी शांति है। अगर है तो ज़रूर बताइएगा। चैनल पर आके सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड क्या बराबर जी ये वीडियो बना रही है कि ऐसे ही कैमरा कुछ मैं बना लूं कि आप बनाएंगे यहाँ पर साथ? ये कितना अच्छा गाना है। ये गाना नहीं सुना आपने? ये गेंदा फूल ठीक है मुझे नहीं सुनना। मैं जो मैं वीडियो बना लूं सॉरी। तो फ्रेंड मैं बता रही थी कि कैसे मेरे प्लीज जी शांत हो जाइए बंद कर दीजिए ये सॉन्ग। तो फ्रेंड जैसे मेरे यहाँ शांति है तो अभी बताइएगा कि आपके यहाँ शांति है? आपके यहाँ शांति है और कैसा आपका दिन गुजर रहा है और ये लॉकडाउन में? प्लीज जी मुझे बना लेने वीडियो क्यों परेशान कर रहे हैं यार? और बिल्कुल शांति को तो सत्यानाश कर रहे हैं आप बिल्कुल भी। अरे कोई शांति नहीं है। प्लीज 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 आइए आपका हेयर कट देती हूँ मैं।